start our English literature chapter first. The chapter is a one kind of a poem. हमारा जो English grammar का जो था previous lecture में वो हमने complete किया first chapter. आज मैं आपको हमारा जो English literature की textbook है उसका जो first chapter है that is a poem. एक poem और the name of the poem is The Truth. ठीक है, हमारा जो poem है आज उसका title है The Truth. What is the meaning of truth? T-R-U-T-H. What is the meaning of truth? सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि हम जब भी कोई भी चैप्टर लेसन या पोएम शुरू करेंगे तो उसका एक पर्टिकुलर टाइटल जो होता है वो हमें क्या सजेस्ट करता है, हमें पता है कि उसके टाइटल रिलेटेड ही अंदर बातें जुड़ी हुई होती है. तो T-R-U-T-H, the truth. The truth means सच्चाई, सच. ठीक है, सच्चाई और सच, इसके बारे में हम हमारे पोएम में आज पढ़ेंगे. एंड द पोएम इज रिटन बाय एंथनी स्मिथ. ठीक है, ये जो पोएम है वो एंथनी स्मिथ ने राइट किया है. ठीक है, तो आज हम हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो आज शुरू करेंगे. एंड आपको पता है कि हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट की आपको दो नोटबुक बनानी है, एक इंग्लिश ग्रामर की और एक इंग्लिश टेक्स्ट बुक की. इंग्लिश टेक्स्ट बुक रिलेटेड जो भी आपको लिखना है वो आप इंग्लिश टेक्स्ट बुक के अंदर जैसे ही आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिलती है आपको उसमें सारा नोट डाउन या कॉपी डाउन करना है. ठीक है, तो हमारा ये जो पोयम है द पोयम का नेम है द ट्रूथ. ट्रूथ यानी सच्चाई. ये पोयम हमें द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रूथ इन अवर डे टू डे लाइफ. ठीक है, हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में सच्चाई का क्या इम्पोर्टेंस है, द वैल्यू ऑफ ट्रूथ, वो हमें यहाँ पर बताया गया है. ठीक है, तो यहाँ पर द पोयम ये जो पोयम है इज डिवाइडेड इन 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 स्टैंजा. ठीक है, ये जो पोयम है वो हमें 6 स्टैंजा के द्वारा हमें द वैल्यू ऑफ ट्रूथ हमें बताती है. तो लेट्स सी अवर फर्स्ट स्टैंजा. ठीक है, आपके पास बुक है, टेक्स्ट बुक है, तो आपको उसको खोल के रखिए. मैं बात कर रही हूँ पेज नंबर 1 पर हमारा जो फर्स्ट पोयम है द ट्रूथ, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, लेट्स सी अवर फर्स्ट स्टैंजा. और साथ में भी जो ऐसे वर्ड्स है मैं यहाँ पर नोट डाउन करती जा रही हूँ, आपको भी अपनी इंग्लिश की जो नोटबुक है उसमें आपको यहाँ पर कॉपी डाउन करना है. ठीक है, थोड़े बहुत हार्ड वर्ड्स टेक्स्ट बुक में भी दिए गए हैं, पर इसके अलावा जो मुझे लगता है कि आपको उसका मीनिंग जानने की जरूरत है तो मैं वैसे यहाँ पर नोट डाउन कर रही हूँ, आपको साथ में लिखते जाना है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट पोयम द ट्रूथ बाय एंथनी स्मिथ. द फर्स्ट स्टैंडर्ड से व्हाट यू वांट मीन व्हाट यू शे रिमेम्बर द डार्केस्ट लाइट ऑफ द डे. हियर द पोएट वांट्स टू केयर अबाउट अवर वर्ड्स. देखो आप जैसा कहते हो वैसा ही आप करो. व्हाट यू से डू एज यू से, यानी कभी कभी आप ऐसा बोलते हो आप बोलते अलग हो और आप बिहेव अलग करते हो. ठीक है, आपके बोलने में और बिहेवियर में काफी डिफरेंट आ जाता है. जैसे कि हम किसी को एडवाइस देते हैं पर वही एडवाइस हम फॉलो नहीं करते हैं. तो ऐसे ही से व्हाट यू वांट मीन व्हाट यू से रिमेम्बर द डार्केस्ट साइड ऑफ द डे. आप जैसा कहते हो वैसा ही करो. जो आप बोल रहे हो वो गलत नहीं होना चाहिए. आप जो भी दूसरे के साथ बातचीत करते हो, जो भी आप लाइफ में फॉलो करते हो, बिहेव करते हो, वो गलत कभी नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर आप गलत करते हो, अगर आप झूठ बोलते हो या गलत तरीके से कोई काम या कुछ बोलते हो तो वो आपको कहाँ लेके जाएगा, द डार्केस्ट लाइफ ऑफ द डे. ठीक है, द डार्केस्ट लाइफ ऑफ दैट डे मीन्स वो आपको गलत अंधेरों में लेके जाएगा. यानी अगर आप कोई सिचुएशन में आप झूठ बोल रहे हो तो वो उसकी नेगेटिव इफेक्ट आपकी लाइफ पर पड़ सकती है. ठीक है, वो तो आप जैसा बोलते हो आप सच बोलोगे तो आपको पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा. अगर आप झूठ बोलते हो या किसी झूठ को चुकाने के लिए आप और झूठ बोल रहे हो तो आपको बहुत ही इंबेरेसिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा. ठीक है, आपको बहुत सारी इंबेरेसिंग, यानी वो जब भी आपको उस वक्त अच्छा लगेगा पर जब भी आपका झूठ पकड़ा जाएगा तो आपको वो बहुत
नीड्स। ठीक है, हमारे फर्स्ट स्टैंजा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसमें मुझे दो वर्ड ऐसे लगे जो आपको हार्ड वर्ड के तौर पर नोटबुक में कॉपी डाउन करने हैं। द फर्स्ट वर्ड इज वॉन्ट, द फर्स्ट वर्ड इज वॉन्ट, डब्ल्यू ए एन टी, वॉन्ट मीन्स डिजायर। देखो मैं आपको पहले ही यहाँ पर एक बता दूं कि मैं जो मीनिंग यहाँ पर लिखूंगी, ठीक है, वो हमारे पोयम रिलेटेड उसका क्या मीनिंग निकल रहा है यहाँ पर वो मैं आपको यहाँ पर नोट डाउन करवाऊंगी। ठीक है, बॉन्ड के बहुत सारे मीनिंग अलग अलग सेंटेंस के रूप में अलग अलग तरीके से होते हैं, पर मैं जो यहाँ पर लिखूंगी वो हमारे पोयम में उसका क्या अर्थ निकलता है, मीनिंग उसका क्या है, उसके रिलेटेड में यहाँ पर आपको उसके सिनोनिम्स लिखवाऊंगी। ठीक है, ना
आपको पता है कि अगर आप एक झूठ बोलते हो तो उसको छुपाने के लिए आपको बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। तो इसकी नौबत ही ना आए इसलिए आप हमेशा ट्रूथ को ही फॉलो करो। कैसी भी सिचुएशन आए, कोई भी ऑपोजिशन हो, आप उसको उस पर भी सच ही बोलो और सच की बात ही आगे रखो। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आया है प्लीज, something
होगा, दिखेगा। द ट्रूथ इज आउट देयर, यू विल सी। अगर उसको देखने की आपकी विजन है तो आप हर जगह सच्चाई को देख सकते हो। द ट्रूथ इज आउट देयर फॉर यू एंड मी, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। ट्रूथ इज एवरीवेयर, सच्चाई है वो हर जगह है, हर बात से है, हर जगह, सोसाइटी में, क्लास में, कहीं पर भी आप जाओ सच्चाई आपको दिखेगी। लेट्स सी, इसमें आपको कोई भी हार्ड वर्ड यहाँ पर, बहुत ही सिंपल किससे वर्ड यहाँ पर है, इसलिए इसमें हमें कोई भी वर्ड नहीं लिखने हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टैंजा है, द ट्रूथ इज आउट देयर, द सर्च इज नॉट इन वेन, द ट्रूथ इज आउट देयर इन द रेन। यहाँ पर भी ट्रूथ की बात हो रही है, द ट्रूथ इज आउट देयर, द सर्च इज नॉट इन वेन। अगर आप सच सच की खोज करोगे, ठीक है, अगर आप सच्चाई को ढूंढोगे तो आप करना, गेन करना, ऑब्टेन।
कभी ये पूरे लाइफ को हम स्मूथली हम उसको अपनी लाइफ हम स्मूथली बना सकते हैं। तो पूरे पोयम में द वैल्यू ऑफ ट्रूथ, ठीक है, ट्रूथ की हमारी लाइफ में हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है वो ही हमें यहाँ पर बेटर में यहाँ पर बताया गया है। हमें कभी किसी की इमिटेशन, फिर अगर हम झूठ का सहारा लेंगे तो हमें कोई ना कोई इम्पेरेंसिंग सिचुएशन हमें बार बार फेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अलग अलग फ्रांचा के तौर पर हमें बताया गया है कि ट्रूथ की वैल्यू हमारी लाइफ में क्या है, ठीक है। तो आप हमेशा अपने लाइफ में ट्रूथ को ही महत्व देना चाहिए। कभी भी कोई भी सिचुएशन हो आपको झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो वो थोड़ी देर के लिए थोड़े वक्त के लिए आपको वो अच्छा रिवॉर्ड देगा, पर एक लास्ट एट द एंड वो आपको बुरे समय में ही लेके जाएगा या फिर आपको कुछ बुरा ही फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल पोयम थी एंथनी स्मिथ की, उसके बारे में हमने यहाँ पर बताया गया है। फिर से एक बार पूरी पोयम आपको रीड करके बताती हूँ। आपको अपनी नोटबुक में ये पूरी पोयम कॉपी डाउन करनी है, फिर उसके नीचे ये जो सारे पार्ट पर जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं उसके अलावा भी मैंने यहाँ पर लिख पाया है वो सारे आपको नोटबुक में कॉपी डाउन करने हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको पूरा अच्छी तरह से एक बार रीड करके देती हूँ। से व्हाट यू वांट बी व्हाट यू से रिमेम्बर द डार्केस्ट नाइट ऑफ दैट डे बी हु यू आर डू एज यू प्लीज द ट्रूथ इज गोइंग टू ब्रिंग यू टू योर नीड्स The truth is that we all need. The truth is the end of a mystery. The truth is out there, you will see. The truth is out there for you and me. The truth is out there, the search is not in vain. The truth is out there in the rain. And the last stanza, say what you want, but you better believe. The truth is the goal we all must achieve. So, what a beautiful poem. आपने देखा ना कितनी अच्छी और सुंदर पोयम थी जिसके द्वारा हमें द वैल्यू ऑफ ट्रूथ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रूथ इन अवर लाइफ वो हमें बहुत ही अच्छी तरह से एंथनी स्मिथ ने हमें यहाँ पर बताया है। अब ठीक है, तो बहुत ही अच्छी सी पोयम है, बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम है जो हमें ट्रूथ वैल्यू ऑफ ट्रूथ हमें लाइफ में बताई गई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 2 पर जो हमारी कॉम्प्रिहेंशन है एक्सरसाइज है उसकी बात करेंगे। फर्स्ट से व्हाट यू वांट मी व्हाट यू से
वो आपका कुछ ना कुछ देती ही जाएगी। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर है सी। एंड द लास्ट वन द फिफ्थ इज द ट्रूथ इज अ गोल वी ऑल मस्ट अचीव। हियर द नरेटर वांट्स टू से दैट द ट्रूथ इज अ गोल वी ऑल मस्ट अचीव। हियर द नरेटर वांट्स टू से दैट, यहाँ पर जो नरेटर है वो हमें क्या बताना चाहते हैं? तो द आंसर इज ए। द आंसर इज ए क्या है? वी शुड ट्राई टू बी ट्रूथफुल ऑल द टाइम। वी शुड ट्राई टू बी ट्रूथफुल ऑल द टाइम, यानी अगर हमें हमारी लाइफ में कोई गोल प्राप्त करना है तो हमें वी शुड ट्राई टू बी ट्रूथफुल ऑल द टाइम। हमें ऑलवेज हमारे लास्ट के हर टर्निंग पॉइंट में, हर लाइफ के स्टेज में हमें ऑलवेज ट्रूथफुल रहना पड़ेगा। अगर हम हमारे लाइफ में ट्रूथफुल रहेंगे तो जो भी हमारा एम ऑफ लाइफ है उसको सक्सेसफुली हम गेन कर सकेंगे। ठीक है, अगर हमने झूठ का सहारा लिया तो कभी कभी ऐसा होता है, हम देखते हैं कि जो झूठ बोलते हैं, जो गलत काम करते हैं, जो कुछ भी ऐसा करते हैं जो नहीं करना चाहिए, जो वैल्यूएबल नहीं है, तो वो भी हैप्पी होते हैं पर वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। फिर देखना कभी कभी एक दौर ऐसा आता है जो वो गलत काम करते हैं उसका बैड रिवर्डिंग उनको मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको आपकी आपका जो एम है, आपका जो गोल है वो सक्सेसफुली आपको गेन करना है, तो हर वक्त अपनी लाइफ में ट्रूथ को ही इम्पोर्टेंस दीजिए, कभी भी झूठ का सहारा आप मत लीजिए। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज ए वन थी, उसकी बात मैंने की। आपको वो टेक्स्ट बुक में टिक आउट करना है, यानी मैंने आपको टिक करवाया आंसर। फर्स्ट बात है बी, सेकंड बात है सी, थर्ड बात है ए, फोर्थ बात है सी एंड फिफ्थ बात है ए। ठीक है, उस पर आपको सिर्फ टिक करना है और नोटबुक में आपको उसके आंसर भी लिखने हैं। जैसे कि क्वेश्चन वन है, से व्हाट यू वांट मीन, व्हाट यू से दिस लाइन मीन, तो डायरेक्ट आप बी फिर उसका आंसर लिख दीजिए। वंस यू नॉट मेक फॉल्स प्रॉमिसेस। ठीक है, समझ में आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरी पोयम नोट डाउन करनी है, फिर आपको हार्ड वर्ड लर्न भी करने हैं, नोट डाउन भी करने हैं, देन एक्सरसाइज ए वन जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, रीड करके दी, वो आपको घर पर लर्न करनी है।